नमस्कार। सर्वेषां मंगलं भवतु। आज मैं BA पार्ट 1 संस्कृत ऑनर के विद्यार्थियों से मुखातिब हो रहा हूँ। हम किरातार्जुनियम पर चर्चा कर रहे थे। किरातार्जुनियम का प्रथम सर्ग चल रहा था, जिसमें कि 8 श्लोक हो चुके थे। आज हम लोग 9वें श्लोक को पढ़ेंगे। आप सब लोग ग्रंथ खोल लीजिए, किरातार्जुनियम, और किरातार्जुनियम के प्रथम सर्ग का 9वां श्लोक आप लोग देखिए। कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीं अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्तुना विभाजनक्तन्दिवमास्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्। फिर से एक बार देखिए। कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीं अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्तुना विभाजनक्तन्दिवमास्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्। प्रस्तुत श्लोक में वनेचर महाराज युधिष्ठिर थे, दुर्योधन की नीतियों के बारे में बता रहा है, दुर्योधन के प्रजा विषयक व्यवहार के बारे में अवगत करा रहा है। वनेचर को महाराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर भेजा था गुप्तचर बनाकर कि जाओ देखो दुर्योधन अपने प्रजा के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, उसमें कोई बदलाव आया या नहीं आया, वो जैसा था वैसा ही है कि कुछ परिवर्तन भी आया। तो वनेचर वहाँ गया और वहाँ से सारा समाचार लेकर आया और दुर्योधन के बारे में महाराज युधिष्ठिर से वनेचर बता रहा है। देखिए, एक एक शब्द का अर्थ देखिए। सबसे पहले देखिए, कृतारि षड्वर्ग जयेन, कृत धन आरि धन षड्वर्ग धन जयेन बनता है समस्त पद कृतारि षड्वर्ग जयेन, जिसका मतलब है 6 शत्रुओं के समूह को जीत लेने वाले। षड्वर्ग मतलब 6, आरि आरि माने शत्रु, तो 6 शत्रुओं का समूह कौन सा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये 6 शत्रु हैं जो हमारे ही मन में रहते हैं, इनको षडरिपु कहा जाता है। तो 6 शत्रुओं के समूह को जीत लेने वाले कृतारि षड्वर्ग जयेन का मतलब क्या है? 6 शत्रुओं के समूह को जीत लेने वाले। अगम्य रूपाम द्वितीय चरण का प्रथम शब्द देखिए। अगम्य रूपाम, अगम्य रूपाम का मतलब क्या होता है? दुर्गम स्वभाव वाले। अगम्य रूपाम अर्थात दुर्गम स्वरूप वाले। अगम्य अर्थात जो गम्य ना हो, जो सुगम ना हो, दुर्गम हो। तो दुर्गम रूप वाले अर्थात दुर्गम स्वरूप वाले
मानवीम, मानवीम मतलब होता है मनु द्वारा बताए गए या मनु प्रोक्त, मनु द्वारा कहे गए। पदवीम मतलब कि मार्ग को, मनु प्रोक्त मार्ग को, मानवीम पदवीम मनु द्वारा कहे गए बताए गए पदवीम मार्ग को। फिर प्रपित्सुना प्राप्त करने की इच्छा वाले, प्रपित्सुना माने होता है प्राप्त करने के इच्छुक अथवा प्राप्त करने की इच्छा वाले। अस्ततंद्रिणा तृतीय चरण में द्वितीय शब्द देखिए, अस्त विभज्य नक्तन दिव मस्त तंद्रिणा, तो नक्तन दिव के बाद देखिए शब्द है अस्ततंद्रिणा। अस्ततंद्रिणा का मतलब है कि आलस्य रहित, आलस्य रहित, जिसका आलस्य अस्त हो गया हो अर्थात जिसका आलस्य विलीन हो गया हो अर्थात जिसने आलस्य को जीत लिया हो वो आलस्य रहित। तेन उस दुर्योधन के द्वारा, तेन दुर्योधनेन सुयोधनेन उस दुर्योधन के द्वारा, नक्तंदिव रात्रि और दिन का, नक्तंदिव नक्तंदिव रात्रि और दिन का, विभज्य सम्यक रूप से विभाजन करके, नयेन नीति मार्ग से, पौरुषम पौरुष का, वितन्यते विस्तार किया जा रहा है। वितन्यते विस्तार किया जा रहा है, किसका विस्तार किया जा रहा है, पौरुषम पौरुष का विस्तार किया जा रहा है। कैसे विस्तार किया जा रहा है, रात्रि और दिन का सम्यक विभाजन करके, नीति मार्ग से पौरुष का क्या किया जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है। मतलब कि ये है कि जब पांडव वन में भटक रहे थे 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में, तो दुर्योधन को लग रहा था कि हमने युधिष्ठिर का राज्य हड़प लिया है तो युधिष्ठिर का विकल्प हमको देना चाहिए जनता को। युधिष्ठिर एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे, नीतिज्ञ राजा थे, दयालु राजा थे, तो उन सारे गुणों को दुर्योधन अपने ऊपर धारण कर रहा है, अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रहा है, भले ही बाहर बाहर ही क्यों ना हो, और उन नीतियों उन गुणों के द्वारा अपने प्रजा का पालन पोषण कर रहा है। वो सोच रहा है कि कहीं प्रजा विद्रोह न कर दे, कहीं वो युधिष्ठिर को अधिक योग्य राजा मानकर युधिष्ठिर के साथ न हो जाए कि हमारा राज्य छिन जाए। इसके लिए दुर्योधन तमाम प्रकार के गुणों का आरोपण कर रहा है अपने ऊपर और उनका व्यवहार कर रहा है, जिसमें कि कृतार्य षड्वर्ग जयेन, वो अपने 6 आत्मस्थ रिपुओं को, शत्रुओं को वो जीत लिया है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, इन शत्रुओं को उसने जीत लिया है सतत अभ्यास के द्वारा, कम से कम जनता के बीच तो जीत ही लिया है और एक न्यायप्रिय नीतिज्ञ राजा बनने का दिखावा सा कर रहा है। वो काम क्रोध लोभ इत्यादि को जीत कर जनता के मध्य, अपनी प्रजा के मध्य एक संयमी राजा बनकर स्वयं को दिखाना चाह रहा है। इसके अलावा कृतार्य षड्वर्ग जयेन, 6 शत्रुओं के समूह को जीत लेने वाले अगम्य रूपाम दुर्गम स्वरूप वाले मानवीम पदवीम मनु द्वारा प्रोक्त
मार्ग को सुना प्राप्त करने की इच्छा से अस्त तंद्रिड़ा मतलब आलस्य रहित होकर तेन मतलब दुर्योधन के द्वारा नक्तन दिवम रात्रि और दिन का विभज्य सम्यक विभाजन करके नयेन नीति मार्ग से पौरुषम वितन्यते, पौरुष का विस्तार किया जा रहा है उसके द्वारा, दुर्योधन के द्वारा। तो जो मनु द्वारा प्रोक्त मार्ग है, जो मनु ने जिस मार्ग का जो मार्गदर्शन किया है, उस मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए दुर्योधन ने अपने 6 शत्रुओं को जीत लिया है। वो बहुत ही दुर्गम स्वरूप वाला है क्या मनु द्वारा बताया गया मार्ग मानवीम पदवीम कैसा है। ये मानवीम पदवीम के 2 विशेषण बताए हैं महाकवि भारमे ने। पहला है 6 शत्रुओं को जीत लेने वाला ही उस मार्ग पर आरूढ़ हो सकता है। और वो मार्ग कैसा है, अगम्य रूपाम दुर्गम स्वरूप वाला है, दुर्गम रूप वाला है, अगम्य रूप वाला उस मार्ग, वो मानवीम पदवीम मनुप्रोक्त मार्ग को प्रपितुना प्राप्त करने की इच्छा से या प्राप्त करने की इच्छा वाले या प्राप्त करने को इच्छुक, क्या प्राप्त करने को इच्छुक, मानवीम पदवीम मनुप्रोक्त मार्ग पर आरूढ़ होने की इच्छा रख रहा है दुर्योधन। और ये प्राप्त करने की मनु द्वारा बताए गए मार्ग को प्राप्त करने की इच्छा से वो दुर्योधन अस्त तंद्रिड़ा आलस्य रहित होकर के नक्तन दिवम विभज्य रात्रि और दिन का सम्यक विभाजन करके नयेन नीति मार्ग से पौरुषम वितन्यते, उस दुर्योधन के द्वारा अपने पौरुष का विस्तार किया जा रहा है। रात्रि और दिन का सम्यक विभाजन करके मतलब रात्रि का कार्य रात्रि में कर रहा है और दिन का कार्य दिन में कर रहा है, दिन का कार्य रात्रि में नहीं कर रहा है और रात्रि का कार्य दिन में नहीं कर रहा है, अर्थात एकदम समयबद्ध हो गया है, टाइम टू टाइम हो गया है। और जिस समय जो कार्य संपादित करना चाहिए उस समय वही कार्य दुर्योधन कर रहा है। आगे देखिए 9वां श्लोक हो गया, 10वां श्लोक देखिए। सखी निव प्रीतियुजो अनुजीविनः समान मानान तुहृदश्च बन्धुभिः ततम दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्। फिर से एक बार देखिए, सखी निव प्रीतियुजो अनुजीविनः समान मानान सुहृदस्य बन्धुभिः सततम् दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्। इस श्लोक में वनिचर दुर्योधन के प्रजा विषयक व्यवहार के बारे में बता रहा है कि वो किससे कैसा व्यवहार कर रहा है, अपने सेवकों से कैसा व्यवहार कर रहा है, अपने मित्रों से कैसा व्यवहार कर रहा है, अपने बंधुओं से कैसा व्यवहार कर रहा है, इसकी चर्चा इस श्लोक में वनेचर कर रहा है। क्या कह रहा है वनेचर, कह रहा है देखिए श्लोक में देखिए, सबसे पहले है गतस्मयः। गतस्मयः कहाँ है, तृतीय चरण का अंतिम शब्द देखिए आप, इसको सबसे शुरू में लाइए। ससन ततम दर्शयते गतस्मयः, गतस्मयः माने होता है अहंकार रहित होकर, निराभिमानी होकर। सह मतलब कि वह दुर्योधन, सह कहाँ है, तृतीय चरण का प्रथम शब्द सह, वह दुर्योधन। गतस्मयः
अहंकार रहित होकर सह वह दुर्योधन संततम, तृतीय चरण में ही है संततम, संततम मतलब निरंतर लगातार, संततम निरंतर। अनु, अब देखिए प्रथम चरण में अनुजीविना मतलब सेवकों को, अनुजीवी कौन होता है, अनुजीवी होता है सेवक जो उसके भरोसे जीवन यापन कर रहे हैं। तो अनुजीविना मतलब सेवकों को प्रीति युजः सखीनिव, अनुजीविना सेवकों को प्रीति युजः मतलब स्नेह युक्त, सखीनिव मित्रों के समान, दुर्योधन अनुजीविना अपने सेवकों को, अपने नौकरों को, अपने भृत्यों को प्रीति युजः सखीनिव स्नेह सिक्त मित्रों के समान व्यवहार कर रहा है। मतलब यह है कि अपने सेवकों से कैसा व्यवहार कर रहा है, वो अपने मित्रों के सदृश व्यवहार कर रहा है, जैसे मित्र मान रहा है। उसका नीति देखिए, उसके नीति मार्ग को देखिए, लोगों को खुश करने के ढंग को देखिए कि अनुजीविना सेवकों को प्रीत युजः स्नेह सिक्त स्नेह से भरे हुए सखीनिव मित्रों के समान, और सुहृद सुहृदः बंधुभिः समान मानान, और सुहृदः माने मित्रों को बंधुभिः बंधुओं के समान सम्मान दे रहा है। जो सेवक हैं उनको मित्रों के समान, और जो मित्र हैं उनको अपने बंधुओं के समान सम्मान दे रहा है, अपने भाइयों के समान सम्मान दे रहा है मित्रों को। और बंधुताम च कृताधिपत्याम इव साधु दर्शयते, और बंधुओं को अपने भाइयों को कृताधिपत्याम इव अर्थात स्वामी के समान दर्शयते, साधु दर्शयते बहुत अच्छे ढंग से प्रदर्शित कर रहा है कि आप ही मेरे स्वामी हैं। देखिए दुर्योधन के इस नीति मार्ग को देखिए, उसकी इस नीति को देखिए, उसकी इस कूटनीति को देखिए कि वो अपने सेवकों को मित्र के समान व्यवहार कर रहा है, अपने सेवकों से मित्रवत आचरण कर रहा है, और अपने मित्रों से बंधुवत आचरण कर रहा है, और अपने बंधुओं से स्वामी के समान आचरण कर रहा है कि आप ही स्वामी हैं, आप ही राजा हैं, हम कौन होते हैं। इस तरीके से गतस्मय अहंकार रहित होकर के ये दुर्योधन का नीति मार्ग है। फिर से एक बार देखिए, सखीनिव प्रीतियुजोऽनुजीविनः समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः सततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम। फिर तीसरे चरण से देखिए, गतस्मय अहंकार रहित होकर के सह वह दुर्योधन संततम अर्थात लगातार निरंतर अनुजीविनः अपने सेवकों को प्रीतियुजः सखीन इव प्रिय मित्रों के समान, सुहृदः बंधु भी समान मानान, और मित्रों को बंधुओं के समान सम्मान देकर, और बंधुताम च कृताधिपत्यामिव और बंधुओं को अपने भाइयों को स्वामी के समान, साधु दर्शयते अच्छे ढंग से दिखला रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। इस तरीके से ये दसवां श्लोक
संपन्न होता है। और ये 9 और 10 श्लोकों को, 10वें श्लोकों को आप अच्छे से पढ़िए, इसका अर्थ लगाइए और अन्वय इसका बैठाइए, उसके पश्चात अर्थ लगाइए, फिर संभव हो तो इसको याद भी करिए, और जहाँ पे समझ में ना आए वो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन कॉल के माध्यम से चर्चा कर लीजिए, जिस शब्द पर जो समझ में ना आए। लेकिन मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग मन लगाकर पढ़िए। मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के रिएक्शन नहीं आ रहे हैं ज़्यादा। जब तक आप अपने अंदर सवाल नहीं पैदा करेंगे, जब तक आप प्रश्न नहीं पूछेंगे, तब तक अध्ययन और अध्यापन में वो रस नहीं आता है, वो आनंद नहीं आता है। आप पढ़िए, आप दोहराइए और आप सवाल करिए, आप प्रश्न पूछिए और फिर हम लोग चर्चा करें। और आप बोलेंगे ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठाएंगे, तो फिर मुझे लगेगा कि कहीं मैं हवा में तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आप लोगों से मेरा बार बार ये कहना है कि आप लोग इस कुसमय में, कुसमय ही कहा जा सकता है कि जबकि पूरी दुनिया इस दंश से गुजर रही है कोरोना वायरस के, अपने अपने घरों में हम सब लोग कैद हैं, तो इस एकांत का आप लाभ उठाइए, अपनी प्रतिभा को निखारिए, क्योंकि एकांत जो होता है वो प्रतिभा की पाठशाला है। एकांत प्रतिभा की पाठशाला है। इस एकांत को आप भुनाइए, जितना संभव हो सके अपनी योग्यता को बढ़ाइए, अपने अंतर्निहित क्षमताओं को विस्तार दीजिए, अपने पौरुष को वितन्यते, दुर्योधन कैसे कर रहा था, अपने पौरुष को विस्तार दे रहा था, कैसे अपने अंदर सद्गुणों का विकास करके। तो आप दुर्योधन की तरह नहीं, आप अर्जुन की तरह अपने अंदर के पौरुष का विस्तार दीजिए, अपने अंदर की क्षमताओं को उभारिए और अर्जुन की तरह एकाग्र बनिए, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ होइए, एकाग्र चित्त होइए, और तभी सफलता आप लोगों के सामने आएगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। बतरते परिश्रम आप लोग अच्छे ढंग से करिए और मैं 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध हूँ वीडियो के माध्यम से, तो मैं अपनी बात पहुँचा ही रहा हूँ। बाकी आप लोग फ़ोन पर किसी भी समय आप पढ़ते रहिए, कभी भी कोई भी समस्या हो आप हमसे संपर्क करिए और हम लोग परिचर्चा करेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद। आपका मंगल हो, आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो।